तो इस वार्ता में हम आगामी विधानसभा की तीसरी सूची जो जेएलकेएम की तरफ से आने वाली है उसके लिए आज प्रेस वार्ता रखा गया है। देखिए डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल जो सातवीं आठवीं में आप सबने पढ़ा है, पर इसमें एक शब्द मिसिंग था, फॉर द कॉमन पीपल। तो आज जयराम महतो जी ने एक आम आदमी को, चाहे आप राजमहल के कैंडिडेट को पारा शिक्षक को देख लीजिए, चाहे आप जयराम महतो जी को नहीं देख लीजिए, सब एक आम आदमी किस प्रकार से राजनीति में एक नया परिदृश्य ला सकता है, कैसे राजनीति की दुनिया में कैसे नया भूचाल ला सकता है, इसका परिचय जेएलकेएम में। आज इस प्रेस वार्ता में हम कुछ प्रत्याशियों का नाम का घोषणा करेंगे। सबसे पहले क्रमांक संख्या 61 सिल्ली विधानसभा से हमारे छात्र नेता, कोई परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं, देवेंद्रनाथ महतो जी हैं सिल्ली विधानसभा से। अगला क्रमांक संख्या 45 घाटशिला से जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम आता है, रामदास मुर्मू जी हैं। आगे पोटका से जो ईस्ट सिंहभूम ही पड़ता है, वहाँ से भागीरथ हांसदा जी हैं। उसके बाद क्रमांक संख्या 48 भागीरथ हांसदा, जमशेदपुर ईस्ट से आपका तरुण कुमार दे हैं, महागामा से काफ़ी चर्चित चेहरा है उस क्षेत्र के, जवाहरलाल यादव जी हैं। कांके से महागामा से जवाहरलाल यादव जी, और जमशेदपुर ईस्ट से आपके तरुण कुमार दे। उसके बाद कांके से हमारे जो रांची जिला पड़ती है और क्रमांक संख्या 65 है, वहाँ से फुलेश्वर बैठा जी हैं जो एससी समाज से हैं। उसके बाद आगे जरमुंडी से हमारे राजीव यादव जी दुमका जिला से जो आते हैं, और पुरैया हाट से जो हमारी आज की सूची की आखिरी नाम है जिनका, पुरैया हाट से प्रवीण कुमार महतो जी हैं जो गोड्डा जिला से हैं, उनका क्रमांक संख्या 16 है। आज के कितने हुए हैं पहले के? पहले अभी तक 20 लोगों का हो चुका है और आज आपका 7 और हो गया, 27 8 मतलब टोटल हमारे 28 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। टोटल कब तक सूची जारी करने की? ये वो हो सकता है आज रात को भी हो सकती है, हो सकता है ऑनलाइन मीडियम से भी हम लोग उसको कर सकते हैं, हो सकता है कल सुबह हो, लेकिन जल्दी से जल्दी हम लोग बड़का गांव पर चिंतन मंथन चल रहा है, हो सकता है आज रात तक हम उसे क्लियर कर दें, कल सुबह कर दें। बड़का गांव काफ़ी हॉट सीट है तो उस पर डिस्कशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बागमारा अभी तक आया नहीं है? बागमारा भी आप अगले सूची में बागमारा को देख सकते हैं। बैरमो भी आपका अगली सूची में ही रहेगा लगभग। जयराम जी के दूसरे सीट पर हम मांडू और गोमिया पर डिस्कशन चल रहा है, इन दोनों में से जो भी हो। जो आप सेकंड सूची जारी किए थे उसके बाद से गोड्डा में भी विरोध शुरू हुआ, सिंधु में भी। देखिए विरोध जो हुआ है ना, विरोध जनता के, नहीं देखिए सर, जनता की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ है, क्योंकि विरोध राजनीतिक कोई भी राजनीतिक पार्टी में स्वाभाविक है। नहीं, देखिए आप धनबाद से किसी भी पार्टी में जब टिकट की घोषणा होती है तो विरोध स्वाभाविक है, आप धनबाद से ही देख सकते हैं, जब ढुल्लू महतो जी को टिकट मिला तो उनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग विरोध कर रहे थे, तो विरोध स्वाभाविक है। दो चार दिन में वो आपसी तालमेल बैठा कर हम आगे निकल चुके हैं, अभी देखिए किसी भी प्रकार का राज्य में कोई विरोध नहीं है। झरिया से बंटी जी को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है, सूची में है, अभी तक किसी प्रकार का कंफर्मेशन नहीं है, उस पर चिंतन मंथन चल रहा है। ईसा से अशोक जी का चांसेस है, अभी हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ की जो कमेटी है उनसे डिस्कशन होगा, उसके बाद ही हम इस पर बात कर सकते हैं। देखिए जो अति महत्वाकांक्षी वाले लोग हैं हर पार्टी में रहते हैं, तो कहीं जाकर निर्दलीय खड़ा होते हैं तो उससे पार्टी के विचारधारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। धनबाद विधानसभा हम जीत रहे हैं, क्योंकि आप इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं किस प्रकार इखलाक अंसारी जी को धनबाद लोकसभा से 78,000 वोट मिलकर सबको चौंकाने वाला ये रिजल्ट था, तो सपन कुमार मोदक जी भी चमकाने वाले हैं, सबको चौंकाने वाले हैं। राजा दास जी को कोई सीट मिलेगी क्या? देखिए राजा दास जी को अगर लड़ने की इच्छा हो तो जरूर मिलेगी।
अभी तक उन्होंने पर्चा नहीं भरा है, जो हमारे जो संगठन का जो प्रक्रिया था उसमें उन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा था। ये वो पुराने संघर्ष में रहे हैं साथ में, संघर्ष में तो हर कोई रहा, हम भी रहे हैं। जरूरी नहीं कि जो संघर्ष में रहे वो चुनाव ही लड़ रहा, मैं भी नहीं लड़ रहा हूँ, मैं भी संघर्ष में रहा हूँ। ठीक है, सुशील भैया थोड़ा संक्षेप में एक बार बाइट दे दीजिए, ठीक है? यही, अरे बाइट यहीं पे, संक्षेप में फिर से वो बता दीजिए आज, ठीक है? नहीं कोई, अच्छा लिस्ट ले लीजिए।